एनडीए में पशुपति पारस के रालोसपा की भागीदारी कितनी दमखम वाली होगी, यह सवाल तैरने के पीछे बड़ा कारण यह है कि चिराग पासवान के नेतृत्व वाले लोजपा भी एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। आज हम बात करेंगे पशुपति कुमार पारस के बारे में, कहां से चुनाव लड़ेंगे, क्या होगा। आपको बता दें, पारस और चिराग में हाजीपुर सीट को लेकर लगातार खींचा तानी मची हुई है। चिराग हाजीपुर से ही लड़ना चाह रहे हैं, पर चाचा पशुपति कुमार पारस हरगिज इस सीट को छोड़ने के मूड में नहीं है। भाजपा लोजपा के दोनों को गुटों को एक करने का प्रयास कर रही है, लेकिन पारस का दावा है कि दल टूटता है तो जुट जाता है, लेकिन यहाँ तो दिल टूटा है, इसलिए एक साथ आने का सवाल ही नहीं उठता है। चिराग के एनडीए में आने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाचा पशुपति पारस ने कहा है। दुनिया की कोई ताकत मुझे हाजीपुर से चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकती, चाचा पशुपति कुमार पारस का बयान। मैं हाजीपुर छोड़कर नहीं रह पाऊंगा। चिराग पासवान तो जमुई से सांसद हैं, उनका हाजीपुर से दावा कैसे है? ये सारे शब्द हैं चाचा पशुपति कुमार पारस के। वो जमुई से कैसे लड़ेंगे? चिराग ने तो जमुई की जनता से कहा था कि हमें जमुई की सेवा करना पसंद है, मैं आगे जमुई की सेवा करता रहूंगा। ये शब्द हैं चाचा पशुपति कुमार पारस के। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant। रालोसपा भाजपा की सबसे पुरानी और विश्वासी सहयोगी है। कितनी सीटें मिलेंगी इस पर कोई बात नहीं है, लेकिन अभी रालोसपा के 5 सांसद हैं, सिटिंग गेटिंग गो फॉर्मूले पर 5 तो हमें मिलना ही है। ये सब कुछ कहना है चाचा पशुपति कुमार पारस का। अब आपको बता दें, उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पे दल टूटता है तो जुड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे दिल टूटा है तो कभी भी नहीं जुड़ सकता, इसलिए चिराग के साथ अब कोई समझौता नहीं हो सकता है। चाचा पशुपति कुमार पारस ने साफ तौर पर कहा है कि अब चिराग के साथ मैं कोई समझौता नहीं कर सकता हूं। एनडीए की बैठक में चिराग ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया था, मैंने उसे गले लगाया, इसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं है। आप भी बताइए, दूध फट जाए तो कितना भी इसे मते मक्खन निकल सकता है क्या? कहते हैं कि एक बार अगर दिल टूट जाए तो कभी भी वो जुड़ता नहीं है। चाचा पशुपति कुमार पारस ने अपनी आप बीती मीडिया के सामने रखी है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।